अयोध्या राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। किस दिन होने जा रहा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़ कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से, एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे, और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और किसी राम मंदिर नहीं, एकाध साल दो साल जाने दीजिए, अपना मातृपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर कम्युनिस्टों की सरकार होती तो माता बारी का मंदिर नया होता क्या? जरा जोर से बोलिए, होता क्या? फिर से बोलिए, होता क्या? त्रिपुरा में हिंसा रुकती क्या? विकास आता क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता क्या? जवानों को रोजगारी मिलती क्या? त्रिपुरा के अंदर माताओं के घर में गैस, लाइट और शौचालय पहुंच सकता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में इतना बड़ा परिवर्तन किया है, और आज मां त्रिपुरा सुंदरी की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए, 5 साल के बाद मेरा ये सुंदर त्रिपुरा प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन जाएगा। मित्रों, सबसे समृद्ध प्रदेश बन जाएगा।